एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। पांच राज्यों के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज चुनावी चौपाल के जरिए उन राज्यों के चप्पे चप्पे तक पहुंच रहा है। लोगों के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनकी मांगों के बारे में हम पता लगा रहे हैं। आज की हमारी चौपाल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। संवाददाता रणवीर ने पता लगाया मिर्जापुर का चुनावी मूड। गंगा जी के तट पर स्थित एक ऐसा शहर जिसकी पहचान माँ विंध्यवासिनी है, जिस शहर ने फूलन देवी को सांसद बनाया और जिस शहर से केंद्रीय मंत्री आती हैं, लेकिन फिर भी इस शहर के लोगों का कहना है कि ये अभी भी विकास से अछूता है। ये शहर माँ विंध्यवासिनी का शहर विंध्याचल धाम वाला मिर्जापुर है और मैं इसी मिर्जापुर के विंध्याचल देवी मंदिर में मौजूद हूँ, जिसका कॉरिडोर बन रहा है। और इस कॉरिडोर के साथ ही यहाँ के जो लोग हैं, ये तमाम अपने चुनावी जो मूड है, जो मिजाज है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। तो मंदिर परिसर से आज मैं बात करूंगा और जानूंगा कि मिर्जापुर शहर का चुनावी मिजाज क्या है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए, आपने तो फूलन देवी को सांसद बनाया इस शहर में, लेकिन बावजूद उसके पिछले चुनाव में जो 5 सीटें थी वो सब बीजेपी गठबंधन को गई, इस बार क्या माहौल? देखिए, इस बार माहौल जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी को हटा के सपा को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना है। इन्होंने महंगाई से लेके, किसान बिल से लेके, हर चीज़ों में, जिससे फूलन देवी की मूर्ति भी आप लोग लगा रहे थे। फूलन देवी की मूर्ति हमारी सरकार बनेगी तो जरूर लगाई जाएगी। अभी भी तो लगाने की कोशिश थी, मुद्दा बनाएंगे चुनाव में। अब ये आगे चल के आपको, आप लोगों को इसी बारे में जानकारी दी जाएगी। सर, आप तो भाजपा से हैं, ये कह रहे हैं विकास हुआ नहीं है और इस बार आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इस तरह का दावा है, काम हुआ है? हमारी सरकार में चाहे मूलभूत सुविधाएं हो, पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, या अपराधियों की रोकथाम, अपराध की रोकथाम हो, मंदिर का कॉरिडोर, या मंदिर का कॉरिडोर हो, या विकास हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक क्षेत्र में बता दे कि जिसमें मैंने काम नहीं किया है, विकास नहीं करवाया, कोई क्षेत्र में हुआ बता दे। हर क्षेत्र में हुआ है, कोई क्षेत्र बचा ही नहीं है। से पूछूंगा, कांग्रेस से पूछ लेते। सर, आप बताइए, कह रहे हैं हर क्षेत्र में विकास हुआ, चाहे धार्मिक हो, चाहे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, सब किया। देखिए, एक क्षेत्र में काम इसलिए नहीं हुआ है कि जो भी काम हुआ है गुंडागर्दी के बल पर हुआ है, खुद माफियागिरी किया गया है। आपसे बता रहे हैं कि विकास की बात जो किया जा रहा है, यहाँ पर कोई, जैसे कहते हैं संविधान खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, सनातन धर्म खतरे में, त्या भाजपा सरकार सनातन धर्म खतरे में कर दी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कोई शंकराचार्य, कोई मठाधीश की कोई मीटिंग नहीं हुई है। रही विकास की बात और कॉरिडोर की बात, तो यहाँ पर न कोई लीगल नोटिस कोई किसी को दिया गया, न 4 गुना मुआवजा दिया गया, जिसको मिटा दिया गया उसको बसाने की बात नहीं किया गया। कैसा विकास आप चाहते हैं? जनता से पहले पूछ लेते फिर नेताओं पे आएंगे। सर, आप बताइए, विकास हुआ है? बहुत तेज विकास हुआ है, कोई क्षेत्र नहीं बचा है ऐसा नजर उठा के देख लिया जाए। यही विंध्याचल नहीं, पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। हर विभाग में कहीं न कहीं कुछ न... अरे ये बताइए, कॉरिडोर बन रहा है, खुश हैं बहुत आप लोग? विकास हुआ है? हुआ। आप बताइए, आप भी टीका वीका लगाए हैं, विकास हुआ है? कॉरिडोर बन रहा है विंध्याचल में, मिर्जापुर में, सब ठीक ठाक चल रहा है? सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सब ठीक ठाक चलता तो चौपाल लगाने की नौबत नहीं आती। सब ठीक ठाक कैसे चलेगा? हम किसको वोट दें? हम जनता है, हम अपनी रोजी रोटी के लिए मरते हैं। हम किसे वोट दें? उन्हें वोट दें जिन्होंने साधु संतों पे गोली चलवाई, उन्हें वोट दें कि हम बीजेपी को वोट दें जो सिर्फ मंदिर, हिंदू मंदिर अधिग्रहण कर रहा है, संतों का मठ अधिग्रहण कर रहा है। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। डेवलपमेंट हुआ है जिले? डेवलपमेंट, हम लोग तो अभी यहाँ रहेंगे ही नहीं तो क्या बताएं। नहीं हुआ, यहाँ शोषण हुआ है हमारा लोग का, विंध्याचल का, और हम लोग 13 पुश्त से यहाँ आए, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नाराज किस बात पे हैं? नाराज इस बात से हैं, अब दोबारा वो लोग नाप जो फिर करने आ रहे हैं। लोगों का दादा पर दादा का मकान यहाँ से हम लोगों का हटाया जा रहा है यहाँ से, तो क्या वोट दे? हम लोग तो वोट ही नहीं देंगे इस बार, वोट नहीं देंगे इस बार हम। आप इनसे पूछिए कि ये अभी तक पंडा समाज का चुनाव क्यों नहीं कराए हैं? जब पंडा समाज का चुनाव नहीं हो रहा है, जबरदस्ती जो है ये लोग कॉरिडोर बना के जबरदस्ती सब लोगों का जो है जमीन लूट रहे हैं, और बिना जो है क्या, बिना नोटिस के यहाँ सबके साथ बसलूकी के साथ सबकी जमीन बनेगा चुनाव? और सबसे पहले चुनाव में मुद्दा बनेगा?
चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा यही बनेगा कि हम यहाँ के हजारों घर को बेघर कर दिया गया। चुनाव में क्या माहौल रहेगा, क्या मूड है जनता? माहौल तो ठीक है लेकिन बीजेपी का, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि गांव वालों के लिए बीजेपी एकदम बेकार कर दिया है, विंध्याचल वालों के लिए नर्क कर दिए हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है। 2010 से यहाँ का पहले वो बढ़वाए नहीं है मुआवजा, जा रहा है चार गुना मुआवजा मिलना चाहिए, दो गुना मुआवजा मिला है, सबका रोजी रोटी छीन लिए है बीजेपी यहाँ विंध्या चलता है। भाई आप ये बताइए, अखिलेश यादव के नाम पर आप लोग वोट देंगे कि खाली बस इससे नाराज होकर कि इस बार वोट देंगे? साथ ही राजनीति क्यों किया जा रहा है, हमारा ये पूछना है, हिंदू के साथ ही राजनीति क्यों? जैसे चाचा जी बोल रहे हैं कि हिंदू मंदिरों के साथ ही सिर्फ अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है इस सरकार में, जो कि ब्राह्मण जितना इस सरकार में अत्याचार उनके साथ हुआ है किसी सरकार में नहीं हुआ। सर देखिए, पिछली बार जब श्री अनुराग पटेल जी यहाँ के DM थे तो यहाँ का एक प्रारूप बनाया गया था कि जिनकी जिनकी ज़मीनें जाएंगी उनको ज़मीन आवंटित किया जाएगा। शुरू में ये अच्छा लगा सबको कि चलो सरकार कुछ करेगी, लेकिन बाद में अचानक से शासन प्रशासन का ये सारा प्रारूप बदल गया और यहाँ पे धमका की ज़मीनें ली गई। सब लोगों की, स्थानीय लोगों की नाराज़गी सबसे ज़्यादा इस कॉरिडोर में जो मुआवजा है उसको लेकर के है, बाकी तमाम विकास को लेकर भी दावे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।